नालंदा में अब और नहीं अभियान की संवाद यात्रा के शुरुआत की घोषणा की गई। वरिष्ठ भाजपा नेता इंजीनियर प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में 6 नवंबर को बिहार शरीफ से यात्रा का शुभारंभ होगा। इस दिन हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रातः 8 बजे बिहार शरीफ से राजगीर, गिरियक, पावापुरी, अस्थावा, कैला मोड़, बिंद, हरनौत, रहुई होते हुए वापस बिहार शरीफ तक का सफर पूरा किया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए इस अभियान के संयोजक इंजीनियर प्रणव प्रकाश ने अब और नहीं अभियान को बिहार में परिवर्तन के लिए महाअभियान बताया तथा कहा कि यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है और जिले की तस्वीर बदलने का मादा रखता है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रणव प्रकाश ने क्या कुछ कहा सुनिए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नए अभियान की शुरुआत की घोषणा करती है। अब और नहीं अभियान की शुरुआत 6 तारीख को 6 नवंबर को बिहार शरीफ से शुरू होते हुए राजगीर, गिरियक, पावापुरी, अस्थामा, कैला मोड़, बिंद, हरनौत, रहुई होते हुए वापस बिहार शरीफ आएगी, जिसमें सैकड़ों नालंदा वासी भाग लेंगे और वो ये बताएंगे आम लोगों को कि मोदी सरकार के द्वारा दी गई, जो वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जो सैकड़ों योजनाएं हैं वो किस तरह से अफसरशाही, भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस करके असफल हो रही है और हमारे बिहार के गरीब जनता बाहर पलायन को मजबूर है। तो ये सारे लोग एक साथ निकलेंगे और उसके बाद गांव-गांव जाकर के हम लोग आम जनता को बताएंगे कि किस तरह से उसकी हकमारी हो रही है और वो अगर इकट्ठे हों और वो अगर मजबूत आवाज के साथ अपने हक की मांग करेंगे तो उनके हक को मानना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसी लिए अब हम लोग अब और नहीं अभियान को नालंदा के हर कोने तक पहुंचाने के लिए 6 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं। और एक और बात कहना चाहूंगा कि नालंदा एक अलग धरती है, इसने शिक्षा की शुरुआत नहीं की, कई तरह के अनूठे आंदोलनों की शुरुआत यहाँ से हुई है, कई तरह के बदलाव की शुरुआत यहाँ से हुई है, शायद बिहार को बदलने की एक शुरुआत यहाँ से हो। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नालंदा वासी अपने अधिकारों के प्रति अवगत हों और अपनी मांग को बुलंद आवाज के साथ सामने रखें और सरकार को मजबूर करें, बिहार सरकार को मजबूर करें कि वो भ्रष्टाचार और जो अफसरशाही का ये कुटिल तंत्र है उसको तोड़कर इन योजनाओं को अच्छे तरह से धरातल पर उतारें। अब और नहीं, अब बर्दाश्त की सीमा के बाहर हो चुका है। अब और नहीं अभियान की शुरुआत और उसकी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा, धन्यवाद।